तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत और यूएसए के बीच में बहुत ही जल्द एक इंजन डील होने वाली है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अगले ही महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएस का विजिट करने वाले हैं और ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि भारत एक बड़ी डील को यहां पर जी के साथ कर सकता है, जिसके अंतर्गत हम यहां से जी के F414 इंजन को खरीदने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों इन इंजन की जो असेंबली है वो भी भारत के अंदर की जाएगी और टेक्नोलॉजी के साथ ही भारत के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि एम का ट्रेड पीएफ और तेजस मार्क 2 के लिए यहाँ पर इन इंजन को यूज किया जाना है और इसलिए भारत बड़ी संख्या में यूएस से इन इंजन को खरीदने वाला है और इसीलिए जी यहाँ पर तैयार हुआ है भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने के लिए। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि यहाँ पर भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी डील यूएस की तरफ से रखी गई है। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत अपने एक ऐसे इंजन को बनाए जिसकी टेक्नोलॉजी के साथ ही आईपी राइट्स भी भारत के पास रहे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अभी हम F414 इंजन जो खरीदने वाले हैं उसके भारत के पास टेक्नोलॉजी तो होगी लेकिन आईपी राइट्स नहीं होंगे और इसी वजह से भारत इनको अपग्रेड नहीं कर पाएगा, किसी भी अन्य देश को सेल नहीं कर पाएगा। और दोस्तों ये बड़ी बात है कि आज भारत इसी वजह से इस बात को लेकर डटा हुआ है कि भारत किसी भी इंजन को अगर बनाता है तो यहाँ पर पूरी तरह से उसको आईपी राइट्स चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत इस तरह के इंजन की डील को करने के लिए एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर लगाने वाला है और 5 से लेकर 6 बिलियन तक यहाँ पर यूएस डॉलर खर्च करने के लिए भारत तैयार है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि यहाँ पर यूएस की तरफ से खबर कर आई है कि जी हमारे साथ जो F414 इंजन की डील को कर रहा है उसी के साथ ही अब भारत यहां पर एक बड़ी डील यानी कि 110 किलोन्यूटन के इंजन की भी डील करे और इसको मॉडिफाई करके यानी कि अपग्रेड करके 130 किलोन्यूटन तक जा सकते हैं। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी के लिए भारत अपने तेजस और एमका के लिए जी के F414 इंजन को खरीद रहा है और दोस्तों आपको बता दें कि इन इंजन का जो थ्रस्ट है करीब 98 किलोन्यूटन का है और ऐसे में भारत को जो थ्रस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो करीब 110 किलोन्यूटन की है। तो दोस्तों इसी के चलते अब जी की तरफ से ये भारत को प्रस्ताव दिया गया है कि अगर भारत यहाँ पर 98 किलोन्यूटन के इंजन को खरीदता है तो भारत के लिए इसको अपग्रेड करके वो 116 किलोन्यूटन तक के थ्रस्ट को पैदा करके देंगे। साथ ही दोस्तों इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है इसको भी काफी बढ़ाया जाएगा और ऐसे में दोस्तों जब इसको अपग्रेड कर लिया जाएगा तो हम एमका और एमका 2 के लिए इसको यूज कर पाएंगे। और फाइनली दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है थ्रस्ट को लेकर वो भी काफी हद तक पूरी होती हुई दिखेगी। हालांकि दोस्तों भारत यहाँ पर अपने एमका के लिए करीब 130 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट चाहता है लेकिन 130 किलोन्यूटन की थ्रस्ट यहाँ पर भारत को ना तो फ्रांस के इंजन के साथ मिल सकती है और ना ही अमेरिका के इंजन के साथ। ऐसे में दोस्तों अगर तीसरे देश की तरफ भारत देखता है और यहाँ पर ब्रिटेन की रॉयल्स रॉयस कंपनी के साथ यहाँ पर डील करता है तो भारत को एक ऐसे इंजन बनाकर रॉयल्स रॉयस दे सकती है जहाँ पर जिसकी थ्रस्ट 130 किलोन्यूटन के आसपास हो सकती है। और दोस्तों इसीलिए भारत अभी तक इस पूरे इंजन की डील को यहाँ पर टालता हुआ आ रहा है क्योंकि भारत नहीं चाहता कि एक ऐसे इंजन को यहाँ पर ले लिया जाए जिससे कि भारत का जो मोटिव है वो यहाँ पर पूरा ना हो पाए और इसीलिए भारत यहाँ पर चाहता है कि भारत को इंजन टेक्नोलॉजी के साथ ही आईपी राइट्स भी पूरी तरह से चाहिए। और ऐसे में दोस्तों अभी दो देश हैं जो कि आईपी राइट्स देने को तैयार नहीं हुए हैं लेकिन आपको बता दें कि ब्रिटेन टेक्नोलॉजी के साथ में कंप्लीट आईपी राइट देने को भारत के लिए तैयार है और ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत का जो झुकाव है वो ब्रिटेन की तरफ काफी हद तक दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत बड़ी संख्या में अमेरिका से F414 इंजन को खरीद रहा है और इसी के चलते भारत का एक मोटिव ये भी रहेगा कि अगर भारत अमेरिका से इन इंजन को खरीद रहा है तो किसी दूसरे देश के साथ अपने इंजन की जो कि स्वदेशी इंजन होने वाला है उसकी डील की जाए। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि जी यहां पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत अपने इंजन के लिए जी को यहाँ पर सेलेक्ट करें और जी के साथ मिलकर स्वदेशी इंजन को बनाया जाए। ऐसे में जी यहाँ पर इसी इंजन को और भी ज्यादा कंपोजिट करके ऐसे मटेरियल यूज करने की बातें कर रहा है जहाँ पर इस इंजन को और भी ज्यादा हल्का बनाया जा सकता है, साथ ही इसकी थ्रस्ट को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और ऐसे में अगर इसकी थ्रस्ट को बढ़ा के 18% तक कर दिया जाए तो यहाँ पर इसकी जो टोटल थ्रस्ट हो जाती है वो करीब 130 किलोन्यूटन तक हो जाती है जो कि हमारे एमका के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ऐसे में
भारत अगर इस इंजन के साथ जाता है तो भारत को यहाँ पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत को पहले इसके दो बार अपग्रेड करना पड़ेगा। और ऐसे में दोस्तों भारत आज ऐसे इंजन की तरफ देख रहा है जो कि एक बार अपग्रेड करने के बाद ही 130 किलोमीटर तक की थ्रस्ट को दे पाए। और ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी बात यह होगी कि हमारा फिफ्थ जनरेशन का एमका अगर इस इंजन के साथ सुपर क्रूज करने में सक्षम होगा तो ये भी भारत के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि फिफ्थ जनरेशन की जितने भी फाइटर जेट होते हैं उनके लिए सुपर क्रूज की जो एबिलिटी है वो सबसे मेन मानी जाती है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत अगर इस इंजन के साथ जाता है तो माना जा रहा है कि भारत का एमका यहाँ पर सुपर क्रूज करने में सक्षम होगा। ऐसे में दोस्तों अमेरिका के इस नए प्रपोजल को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या भारत को अमेरिका या फिर फ्रांस जैसे देश के साथ डील करनी चाहिए या फिर अभी भी भारत को ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस कंपनी के साथ जाना चाहिए? दोस्तों आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।